नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर वन के हायर एजुकेशन सिस्टम यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली के पार्ट के अंतर्गत आता है। और टॉपिक आपका पॉलिसीज़, तो पॉलिसीज़ के अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। और आगे वाले वीडियोस आएंगे उस पर आपका गवर्नेंस पे बातें होंगी, आपके कॉन्स्टिट्यूशंस पे बातें होंगी, आपकी जो शक्तियां हैं गवर्नमेंट की कैसे दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, किस किस अनुच्छेद में उनका वर्णन किया गया है, इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियोस में। फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के समय में हम पॉलिसीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो आपका जो स्वतंत्र भारत का पहला एजुकेशनल पॉलिसी था यानी कि राष्ट्रीय नीति था, जो 1968 पे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, 1986 पे हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था उसको हम फिर से उसको हम रिव्यू करके और उसको एक तरह से पुनः निर्माण करने की हमारी ज़रूरत थी, हमारे गवर्नमेंट की ज़रूरत थी, हमारी कंट्री की ज़रूरत थी। तो सबसे पहले हमारा एक आयोग का गठन किया गया, इंडिया जब हम क्या हुआ आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया 1947 में। तो उसके बाद सबसे पहला हमारे एजुकेशन के लिए जो कमीशन जो गठित किया गया वो था आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसका समय काल था 1948 टू 49, ओके 1948 से 1949 का समय काल था। और इस कमीशन के लिए अध्यक्ष जिसको बनाया गया था वो थे राधा कृष्णन, और इसी कारण इस कमीशन को, इस आयोग को राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जानते हैं। फिर हमारा सेकंड कमीशन आया, सेकंड आयोग आया माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम 1952 to 53 के ड्यूरेशन का समय जो था उसमें इसने काम किया, और इसके अध्यक्ष थे मुदालियर, और इसी कारण इस कमीशन को मुदालियर कमीशन के नाम से जानते हैं, मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं। फिर हमारा थर्ड आयोग आया राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन, जिसका समय था 1964 to 66, और इसको हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं, कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जो थे इस कमीशन के अध्यक्ष थे। तो जब ये तीन कमीशंस आए तो उसके बाद हमें क्या था लागू करना था, इनकी सिफारिशें, इनकी जो सिफारिशें थीं उनको हमें क्या करना था, लागू करना था, संचालित कराना था अपने एजुकेशन सिस्टम को इनके आधार पे। तो सबसे पहले हमारे स्वतंत्र भारत में सबसे पहला जो पॉलिसी आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 1968 का ये समय था, और ये कोठारी कमीशन की जो सिफारिशें थे उसी को लागू करने के लिए गठित किया गया एक तरह से। तो ऐसा नहीं था कि टोटल कोठारी कमीशन की ही बातें थी, कोठारी कमीशन के साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया और इसको लागू कराने का काम किया। और वो समय था आपके प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी का, वो समय काल था हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, हमारा जो ये 1968 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति था उसका इम्प्लीमेंट बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, ज़मीनी रूप से क्या हुआ इसको सही से क्रियान्वित नहीं कर पाया गया, इसी कारण फिर से रिव्यू किया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 का गठन हुआ, तब दौर था किसका, तब दौर था प्रधानमंत्री जो थे उस समय राजीव गांधी थे, तो वो समय राजीव गांधी का समय था। और ये ड्यूरेशन
जब आपका चलने लगा, तो 1986 के बाद, 1987 में ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, नई शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं, ये काम करना प्रारंभ किया 1987 से, 1987, ठीक है, काम करना ये प्रारंभ कर दिया। किंतु क्या हुआ कि 1989 में सरकार बदल गई। क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री बदल गए और विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बन गए। तो उन्होंने 1990 में क्या किया, 1990 में जो आपका ये था, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो राजीव गांधी के दौर में बनाया गया था, गठित किया गया था, तो इनकी जो नीति थी, इनके जो नियम थे, इनके जो सिद्धांत थे, उसकी समीक्षा करने के लिए राममूर्ति, यहाँ पे हैं राममूर्ति जो समिति है, तो राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, ठीक है, समीक्षा के लिए। किसकी समीक्षा के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए राममूर्ति की अध्यक्षता में क्या हुआ, रिव्यू कमेटी के गठित किया इन्होंने, जो राममूर्ति समिति 1990 कहलाई। और इस कमेटी ने स्टार्टिंग में ही कुछ चीज़ें ऐसी कहीं कि इन्होंने कहा कि जो शिक्षा नीति 1986 जो दी गई, जो चलाई जा रही है, वो अच्छी तरीके से नहीं चल रही, हमारा शिक्षा जो बेहतर नहीं और भी नीचे जा रहा है, इन्होंने ये सब कुछ चीज़ें कहीं, ठीक है, वो दौर था। लेकिन बाद में इसकी जो 1986 की चीज़ों को अप्लाई भी किया गया, उसको बाद में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो फिर उसी दौरान आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ओके, यानी कि कार्य योजना 1992 भी आया। तो ये सब चीज़ें आपके पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे, थोड़ा थोड़ा इन सब चीज़ों को जानेंगे कि क्या हैं, क्या क्या चीज़ें इनके अंदर हुई थी, तो आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप पूरा का पूरा करेक्ट आंसर दे पाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो फ्री ऑफ एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन, विदाउट बर्डन एजुकेशन, ठीक है, ये सभी चीज़ें देखा जाए इन्हीं सब के अंतर्गत चीज़ें ये आई हैं। तो कब कब आई हैं तो ये आपको जानना जरूरी है इसमें। और हमने देखा जाए तो आपको राधाकृष्णन कमीशन भी पहले कराया है, मुदालियर कमीशन भी कराया है, कोठारी आयोग भी कराया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 भी कराया है, और आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी करा रहे हैं, ठीक है। आगे जरूरत पड़ी तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी होगा, राममूर्ति कमेटी भी होगी, और आपका जो आपका तत्काल जो आया है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 जो है वो 2017 में गठित की गई थी। आपके जो थे आपके के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 2017 में आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप उसके आ चुकी हैं। अब कब अप्लाई होगा ये सरकार आपको बताएगी, तो इसके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, तो आप लोग इसको जान लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपके लिए। तो देखिए कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का आधार है। चलिए फिर से हम बता दें, देखिए हमारा जो ये 66 कोठारी कमीशन था, इसी के लिए यहाँ पे गठित हुए, ये नीति जो लागू कराने के लिए यहाँ पे काम किया। उसके बाद जब ये कमेटी उतनी तरी नीति जो अच्छे तरीके से जब लागू थोड़ा सा नहीं हो पाई, तो फिर इसी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू की गई, ठीक है, राजीव गांधी के दौर के काल में। तो इसमें कुछ नई चीज़ें भी आईं, और कुछ आपके जो कोठारी आयोग था ये फाउंडेशन का काम कर रहा था, किसके लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के लिए, और इसके लिए भी। तो इसमें कोठारी आयोग की चीज़ें तो रहेंगी ही, और राष्ट्रीय न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी चीज़ें इसमें आएंगी। तो ये बेस का काम कोठारी आयोग ही किया था। तो यहाँ पे देखिए कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो बेस था वो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। यह नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की समीक्षा के लिए नई शिक्षा नीति 1986 का गठन किया गया था, यानी कि समीक्षा भी करेगी और
कुछ इसमें बदलाव भी करेगी। और 1968 से शिक्षा का क्रियान्वयन, विभिन्न वर्गों तक शिक्षा को पहुंचाना, स्तरों में सुधार और आर्थिक सुधार इसका उद्देश्य था। और आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में 8 मई 1986 में लोकसभा में पारित हुआ था और 13 मई 1986 यानी 13 मई 1986 में राज्यसभा में पास हुआ और इसी के साथ यह प्रभावी भी हो गया यानी कि लागू भी हो गया। और पहली बार शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया गया, देखा जाए तो ये पॉलिसी काफ़ी महत्व दी एजुकेशन को और शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और परिस्थितियों के अनुसार बनाने का संकल्प लिया गया, जिसमें पूरी तरह शिक्षा के कार्यक्रमों को लागू कराने की पूरी योजना का अथवा पूरी नीति का इसमें जिक्र किया गया था। यानी कि इसमें ये नहीं था कि सिर्फ चीज़ों को बता देना, ठीक है, चीज़ों को बता देना, नीतियों को बता देना, यही काम नहीं था। इसमें पूरा प्रोसेस था कि कैसे कैसे हम जो उद्देश्य बना रहे हैं उसको कैसे कैसे पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इन्होंने इसमें डाला, इस नीति में। तो नीतियाँ क्या हैं, देखिए हमने बताया था नीति वही हैं जिसमें नियम कानून सिद्धांत चीज़ें रहती हैं और हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, इसलिए नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो देखिए इस नीति का जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि ये पॉलिसी आया तो क्या क्या आपके लिए लाया। तो यहाँ नई शिक्षा नीति 1968 के महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी जो काफ़ी न्यू दिखेंगी, मतलब इसमें जो 1986 है इसमें जो नई चीज़ें थी उसमें नवोदय विद्यालयों की स्थापना की बात की गई थी। नवोदय विद्यालय की स्थापना की बात की गई थी जिसमें आपका 75% जो सीट रहेगा, कहा गया कि वो रूरल जो ग्रामीण बच्चे रहेंगे उनके लिए क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा, आरक्षित रहेगा, ये बात की गई। और जो यहाँ पे एजुकेशन मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी इसके लिए पैसा नहीं लगेगा। और ये एजुकेशन का जो व्यवस्था था वो क्या था, जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके लिए था, जो प्रतिभावान बच्चे हैं और किसी कारणवश चाहे पैसे के अभाव में चाहे कोई भी अभाव ऐसा है जिसके कारण वो शिक्षा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको इसमें एडमिशन दिया जाएगा, ये कहा गया। और इसी एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि शिक्षा की विकेंद्रीकरण की बात की गई, अर्थात केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के पैटर्न के आधार पर राज्य शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए, ये बात कही गई किसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके 1986 में। आगे देखिए इसी शिक्षा नीति में आपका शारीरिक दंड को निषेध किया गया, यानी कि बच्चों को पनिश नहीं किया जा सकता है, इसी शिक्षा नीति में कहा गया। फिर आपका कहा गया कि विद्यालय को छोड़ने वाले छात्रों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश विद्यालय छोड़ दे रहे हैं उनको एक फॉर्मल जो एजुकेशन हो रहा है, जो विद्यालय मिल रहा है वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए और शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो जो गुणवत्तापूर्ण हो, ऐसा ना हो कि विद्यालय के अंतर्गत जो दी जा रही शिक्षा वो बेहतर हो और बाहर की नहीं, उनको क्वालिटी लेवल की एजुकेशन दी जाए। इस तरह शिक्षा पर जोर दिया गया इस एजुकेशन पॉलिसी में कि वुमेन्स के एजुकेशन को क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए और क्रियान्वित किया जाए, नीचे तक पहुंचाया जाए, जिससे कि स्त्रियों को शिक्षित किया जा सके। आगे कहा गया कि विकलांग शिक्षा तथा गंभीर विकलांग बच्चों के लिए जिला विद्यालयों में आवास की व्यवस्था की बात की गई, यानी कि कहा गया कि जो विकलांग बालक हैं, जो गंभीर रूप से विकलांग है, उनके लिए आवास परिसर की व्यवस्था की जाए, यानी कि वो विद्यालय के पास ही आवास में रह सकें और अपना शिक्षा पूरा कर सकें। कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक प्रवेश यानी सभी को प्रवेश के लिए शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए और 14 वर्ष की आयु तक के शिक्षा में ठहराव और गुणवत्ता में वृद्धि की जाएगी, यानी कि जो बच्चे किसी कारणवश विद्यालय में फेल हो रहे हैं और या विद्यालय में ज़्यादा दिन तक रुक रहे हैं किसी कारणवश, तो उनको काफ़ी बेहतर एजुकेशन की क्वालिटी प्रोवाइड की जाए जिससे कि वो आगे बढ़ सकें, ना ही एक जगह ठहरे रह सकें,
ठीक है। और कहा जा रहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए, ये बात की गई। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि महात्मा गांधी का एक देखे तो सोच था। तो यहाँ पे ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन किया गया। फिर डाइट आपका जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की बात इसी में की गई थी, और भारतीय शिक्षा सेवा की बात की गई थी यहाँ पे, और स्वायत्त कॉलेजों व विभागों की स्थापना का यहाँ पे बात की गई, और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की बात की गई, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम हो वो राष्ट्रीय स्तर पर समान हो, ये बात यहाँ पे कही गई। आगे देखिए जो चीज़ें हैं केंद्र के दायित्व को इस कमीशन यहाँ पे पॉलिसी में, कमीशन नहीं, इस पॉलिसी में प्रमुखता दी गई थी, केंद्र के दायित्व को प्रमुख रखा गया था, मेन रखा गया था। और शिक्षा के जो अवसर हैं उसमें समानता की बात की गई थी, गुणवत्ता की बात की गई थी, तुलनीयता पर जोर दिया गया था, और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन की बात की गई थी इसमें, और कंप्यूटर शिक्षा अथवा कंप्यूटर के नॉलेज पर विशेष जोर दिया गया इसमें, और शैक्षिक प्रगति के मूल्यांकन के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में क्या किया जाए, मूल्यांकन किया जाए कि जो चीज़ें नीतियाँ चलाई जा रही हैं वो सफल हो रही हैं कि नहीं, कितना वहाँ पे सफलता असफलता प्राप्त हो रही हैं। और 10+2+3 शिक्षा के ढांचे से शिक्षा को राष्ट्र रूप में संचालन करना कहा गया, यानी कि जो हमारे शिक्षा का ढांचा होगा पूरा देश का वो 10+2+3 के फॉर्म में होगा इसमें कहा गया, और जिसे देश के प्रत्येक देखा जाए तो प्रत्येक पार्ट में लागू भी किया गया। और 10+2+3 की सिफारिश देखा जाए तो कोठारी आयोग में की गई थी, 1964-66 में कोठारी आयोग में इसकी बात की गई थी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में नहीं लागू हो पाई थी, क्योंकि कोठारी आयोग के बाद ही 1968 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था उसी के लिए, और वो लागू नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पे वो लाया गया और वो लागू भी हुई, ठीक है। और साथ ही साथ 10+2+3 में 10 वर्ष जो था, 10 वर्ष का जो काल था, समय था, उसमें 5+3+2 में डिवाइड किया गया, यानी कहा गया कि 5 वर्ष का प्राइमरी एजुकेशन होगा, 3 वर्ष का सेकेंडरी एजुकेशन होगा, और 2 वर्ष का हायर सेकेंडरी एजुकेशन होगा, इसमें विभाजित करने की बात की गई। साथ ही साथ उच्च शिक्षा में सुधार और महाविद्यालयों की स्वायत्तता की बात की गई इसमें। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा जो है लाने की बात की गई सेकेंडरी एजुकेशन से, यानी कि पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा जाए, जिससे कि छात्र धीरे धीरे क्या हो, व्यावसायिक शिक्षा की ओर बढ़े, और शिक्षा लेने के बाद छात्र क्या करे, आगे व्यवसाय से जुड़े। आगे कहा गया कि आपका राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की संरचना की बात की गई, यानी कि जो हमारे पाठ्यक्रम का करिकुलम का जो डिज़ाइन रहेगा, फ्रेमवर्क रहेगा, वो राष्ट्रव्यापी रहेगा, यानी पूरे राष्ट्र में एक तरह से देखा जाए तो रहेगा। और शैक्षिक अवसरों की समानता की बात की गई, जिसमें आपके महिला हुए, SC हुए, ST हुए, अल्पसंख्यक हुए, विकलांग हुए, पिछड़े जितने भी हैं इनको समान अवसर की बात की गई, यही यही नहीं कि स्पेशल किसी को अवसर दिया जाए, सबको बराबर अवसर यहाँ पे मिले, चाहे वो किसी भी जाति धर्म चाहे लिंग से हो और चाहे हैंडीकैप्ड हो। ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की बात की गई इसमें, प्रौढ़ शिक्षा की बात की गई इसमें, वैल्यू एजुकेशन की बात की गई इसमें, वैल्यू एजुकेशन का टॉपिक भी आपके पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम में है, जिसमें हमने डिस्कस किया है आपके साथ। मैथ और साइंस यानी गणित और विज्ञान के शिक्षण की बात की गई इसमें, और पुस्तकों की गुणवत्ता पर जोर दिया गया, यानी कि पुस्तकों का जो पहले का जो क्वालिटी है उससे और भी बेहतर उसको बनाया जाए। परीक्षा प्रणाली में मार्क्स मार्क जो था अंक की बजाय अंक देने की बजाय अंक पे जोर देने की बजाय आपके ग्रेडिंग सिस्टम को लाने की बात की गई, लागू करने की बात की गई। और राष्ट्रीय आय का जो राष्ट्र का इनकम होगा, कंट्री का इनकम होगा, उसका 6% जो है शिक्षा पर खर्च करने की यहाँ पे भी बात की गई, इसके पहले भी बात की गई थी और इसमें भी बात की गई। और खेल कूद आपका जो है, खेल कूद और शारीरिक शिक्षा तथा समाज सेवा की बात इस कमीशन में की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो देखिए इस कमीशन में ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और हमें लगता है कि ये अब
आपके माइंड में बैठ जाएगा। अगर एग्ज़ाम में हमें लगता है इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है तो ज़रूर आप एग्ज़ाम में करेक्ट आंसर दे लेंगे। हमें लगता है काफ़ी चीज़ें हमने कोशिश किया आपको मिल जाए इस एजुकेशन कमीशन से जुड़ी हुई। ठीक है, एजुकेशन कमीशन है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 कहते हैं। नेशनल एजुकेशन ये कमीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाते रहिए। और चलिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं जाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।